हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसका ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन ऑयल ड्रेन करेंगे और इसका पूरा ट्रांसमिशन उतारेंगे। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे उतारना है, उसमें क्या क्या फिटिंग होती है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी फिटिंग दिखाऊंगा आपको मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें क्या क्या खोलना पड़ता है इसके ट्रांसमिशन उतारने के लिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो चलिए गाइस, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। खुल रहा है हमारा, इस पूरी तरह सारी सही से साफ है ना? जी ठीक है। तो देखिए गाइस, तो इसका ट्रांसमिशन ऑयल भी पूरा हमने ड्रेन करके ले लिया। यहाँ से ड्रेन होता है गाइस, और ये जो नट है ये यहाँ पे, इससे हमारा ऑयल डलता है। तो हम इसको भी और लूज़ करके ले लेंगे, जो कि प्रेशर से ऑयल नीचे गिरे। जैसे ऊपर का बोल्ट खुला तो एयर निकली, तो पूरा तरह ऑयल निकलते निकल रहा है। और इसका ट्रांसमिशन हमारा खोलने का मोटिव यह है कि इसमें आता है गियर सेलेक्टेड मॉड्यूल, उसका फॉल्ट आता है। तो जो कि इसके अंदर होता है वो भी आपको हम, ये जब पूरा हमारा गियर जो असेंबल होगा वो हम सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो हम ऊपर वाला नट थोड़ा सा स्लो टाइट कर देंगे बस हाथ से। ठीक है, तो हमारा सारा ऑयल ड्रेन हो गया गाइस। तो अब इसका हमको नट लगा लेते हैं। गन उठा, एक एक साफ साफ तसला एक और कर, स्टीयरिंग ऑयल गिरेगा जो। तो गाइस आपने देखा जी, उसके स्टीयरिंग एंड का बोल्ट खुल रहा है। खोल, मशीन से खोल लेगा जल्दी जल्दी। तो भाई जैसे कि हमारे यहाँ वाला ये वाला स्टीयरिंग का 21 नंबर की 12 पहले घोटी लगती है, उससे ये बोल्ट खुल जाता है। तो ये हमारा बोल्ट खुल गया, तो चलिए हम अब उस तरफ चलते हैं। खुल गया इधर का, खुल गया, इधर का भी खुल गया। ठीक है, तो हम इस गाड़ी को उठाते हैं, इसका स्टीयरिंग बाहर कैसे निकालना है वो आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो में। बन गए, बन गए। तो गाइस आपने देखा है, हमने इसके बोल्ट खोल के अब इसका हमने एंड भी उतार देनी है। ठीक है, तो अब इसका स्टीयरिंग हमको करना है पूरा डाउन। तो दिखाते हैं हम आपको इसका स्टीयरिंग कैसे डाउन होगा। तो इसके हमने बोल्ट खोल के रख रखे थे, तो बोल्ट को निकाल लेते गाइस। फाइनली हमारा स्टीयरिंग बाहर आ गया। ठीक है, हमारा पूरा स्टीयरिंग बाहर आ जाए। अब इसके बाद हमको इसका ऑटो ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन उतारना है। तो ये ट्रांसमिशन कैसे उतरेगा गाइस, पूरी तरह आपको हम इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बंद कर दो। फाइनली गाइस हमारा पूरा स्टीयरिंग उतर चुका है। तो अब हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी कि हमको ये वाले जो एक्सल के बोल्ट थे 10 की 12 पहले वाले, ये बोल्ट, तो अब हमको ये सारे बोल्ट खोल के इस एक्सल को इधर कर देना है गियर से। उसके बाद हम ये वाला राइट वाला भी, इसका ये लेफ्ट वाला भी। ठीक है, तो ये सारा खोल के हमको साइड में ले लेना है। उसके बाद धीरे धीरे कैसे कैसे क्या क्या फिटिंग खोलनी है आपको सब बता देंगे। तो इसके होते हैं गियर ऑयल के जो पाइप होते हैं, ये पाइप, तो हमने ये ढीला करके ले रखा है, इसको भी खोल के इसको भी हटा देंगे। उसके बाद हमारा जो बाल्ट होता है सब दिखा देंगे। ये टूल हमने बना लिया इसके एक्सल खोलने के लिए, तो ये हम अब उसमें लगाएंगे। और जुड़ा
इसमें हमारा जो बोल्ट होता है गाइस, इसके पूरे एक्सल के बोल्ट होते हैं, हमें ये बोल्ट खोलना होता है। ठीक है, एक हमने खोल दिया, इसमें होंगे 6 बोल्ट, हमें 6 की 6 खोल के लेने पड़ेंगे। 6 खोलने के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस आपने देखा, हमने ये स्टेयरिंग का ये एक्सल का खोल दिया बोल्ट, पार्ट अलग कर दिया, और यहाँ से हमने एक्सल का खोल के अलग कर दिया। तो अब हमारी अगली फिटिंग क्या रहेगी, हमारा ये 13 का बोल्ट खोलना है, इसको ये पाइप अलग करना है। खोलो ये बोल्ट, खोलो ये पाइप अलग करना है। उसके बाद ये खुलनी है हमारी ये ट्रांसमिशन माउंटिंग। तो ट्रांसमिशन माउंटिंग खुलते के साथ ही हमारा ये ट्रांसमिशन है जो वो डाउन हो जाता है। तो उसको खोलने से पहले हम कुछ भी जैक लगाना होगा उसके, जितने भी साफट के 6 बोल्ट है, साफट के 6 बोल्ट खोल के साफट को अलग कर देना है। यहाँ से हमने ये साइलेंसर का भी खोल के रख लिया, ये साइलेंसर भी अलग हो गया। और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे इसकी होती है साइलेंसर की पत्ती, आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, तो ये भी हमको खोल के लेनी पड़ती है ज़रूर, नहीं तो हमारा जो गियर बक्सा हम नीचे उतारते हैं तो वो अड़ता है, तो वो ना अड़े इसके चक्कर में हमको सब कुछ खोल के लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम ये सापट खोलने जा रहे हैं, लॉक कर देंगे, लॉक, थोड़ी गाड़ी डाउन कर लेनी चाहिए सही गाड़ी हमको। तो अब ये इसको जब हम खोल रहे हैं तो जो गाइस सापट घूम रही है, तो अब हमको इसको सापट को लॉक करके देना पड़ेगा। बड़ा पेचकस लाओ, पेचकस लाओ, पेचकस। तो चलिए आपको इस सापट को खोलते कैसे वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। गन ले ले, गन, गन से होता तो ठीक है, फिर सापट पेचकस लगाएंगे। अगर गाइस को हम मैनुअली खोलें तो मैनुअली नहीं खुलता, बहुत ज़्यादा पावर लगती है मैनुअली में, और इसकी सापट ना फ्री रहती है तो सापट घूमती है। तो हमको इसको गन से, इलेक्ट्रिक गन से खोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक गन से खोलोगे तो आराम से खुल जाता गाइस। जैसे कि हमने ये देखो, ये सारे ढीले करके ले लिए, तो हम इसको घुमा लेंगे, नीचे के दो ड्राइवर रह गए। ये हमारा इंडियन जुगाड़ गाइस, ये देखो, हम इससे अपने ट्रांसमिशन रोक के रखेंगे। उसके बाद हम ये माउंटेन है जो ट्रांसमिशन माउंटेन, इसको खोल लेंगे, फिर हम धीरे 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 इसको डाउन कर देंगे। तो उसके बाद इसके हमारे को होजिंग के बोल्ट खोलने पड़ेंगे, तो होजिंग के कितने बोल्ट होते हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन उतर जाएगा हमारा। तो ये हमने लगा दिया चेक, और हमारे माउंटेन के बोल्ट, ट्रांसमिशन माउंटेन। गाड़ी उठा धीरे धीरे, ये हाँ, चल 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 चल, और चल और चल, बस अटक गया। चलिए गाइस देखिए, जो हमने गियर डाउन कर दिया इसका, और वो पिन निकाल रहे हैं, जो हमारी गियर लीवर होता ना उसकी पिन है, ये पिन निकाल गई, और वहाँ से जो हमारा वो है गियर को सिलेक्ट करते हो उसको निकालना होगा गाइस। थोड़ा सा मुश्किल होता है गाइस, बस बट निकल जाता है, ये निकल गया। ठीक है गाइस, तो अब ये निकल गया, हमको इसको लॉक से बाहर निकाल देना, पीछे करना है इसको। पीछे 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 करो, पीछे, हाँ बस। तो गाइस देखा जाए, पीछे करके निकल गया, तो ये हमारे यहाँ पे लॉक में इसमें फंसा रहता है। उसके बाद हमारे यहाँ से लॉक लग जाता है कि जाके ये निकले ना, और हमारे गियर सिलेक्टर सिलेक्ट होते रहे। चलिए गाइस, तो ये हमारा ये भी निकल गया, तो अब हमारा अगले प्रोसेसर है पूरे गियर नीचे उतारने का। तो चलिए डाउन कर, तो इसके ऊपर से आपको होजिंग के सामने बोल्ट दिख रहे होंगे, हमारे ऊपर से 3 बोल्ट होजिंग के खोलने पड़ेंगे। यहाँ से हमको 16 नंबर का सेल्फ का बोल्ट खोलना पड़ेगा, तो आपको दिखा देते हैं 16 का सेल्फ का कहाँ से है। तो ये लगा 16 का सेल्फ का 16 नंबर की गोटी या पाना, कुछ भी लगा लो, पाना लगेगा गाइस यहाँ पे, तो इसको खोल के लेना। इसके बाद उसके ऊपर का जो बोल्ट है होता है वो 18 नंबर की 12 पहले वाली गोटी, वो भी खुलेगा। तो चलो खोलते हैं, डाउन करो हल्का, ऐसे खोलो, ऐसे खोलो, 16 का है ना, ये हो रही है हमारी स्टार्टर मोटर, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं सेल्फ। वो हमारा ये सेल्फ का जो 16 नंबर का बोर्ड था वो खुल गया हमारा,
तो अब हम जो खोलने जा रहे हैं ये होजिंग के बोल्ट खोलने जा रहे हैं। तो एक यहाँ लगा रहता है और एक यहाँ लगा रहता है, ये हमने खोल के ले लिया कि ये खोलना है। इसके बाद हम खोलेंगे ये टर्बाइन के बोल्ट, अंदर जो टर्बाइन होती है उसके बोल्ट खोलेंगे। लूज कर देता हूँ ना। तो गाइस अब हम खोलने जा रहे हैं इसका टरबाइन के बोल्ट, इसकी टरबाइन के अंदर बोल्ट लगे थे। तो इसको खोलने के लिए अगर हम खोलते हैं तो ये घूमता है, तो हमको इसके आगे लॉक करके रखना था। मैनपुली का जो 24 नंबर का बोल्ट था उसको रैचर से लॉक करके रखना पड़ता है। तो ये कर रखा है लोग, अभी हम घुमा रहे हैं इसके मैनपुली का बोल्ट जो आ जाए, ये टरबाइन के बोल्ट जो आ जाए। चलो बस थोड़ा सा बस यही रोक के रख ले, अब आगे से रोक के रखेगा उसके बाद ये बोल्ट। चलो 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 ये ढीला हो गया, ठीक है अब हम इसको पूरा खोल के ले लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट बोल्ट वो खोल लेंगे। ठीक है भाई, देखो जैसे अगर ये घुमा रहे तो ये फ्री होगी, बस छोड़ दे। तो हमारी ये टर्बाइन फ्री हो गई, तो टर्बाइन फ्री होने का मतलब इसके पूरे टर्बाइन के सारे बोल्ट खुल गए, ठीक है। तो अब इसका हमारे को इसके सारे होजिंग के जितने बोल्ट होते हैं, हमने ये वाला खोल के ले लिया, ये ढीला कर लिया, ये खुलने वाला है, हमने ये भी खोल के ले लिया। अब इसके ऊपर के होजिंग के जितने भी बोल्ट थे सारे वो उतार के, वो बोल्ट उतार के उसके बाद हम इस ट्रांसमिशन को नीचे उतारते हैं। तो बने रही हमारी वीडियो में, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखो हमारा ऑटो ट्रांसमिशन उतर चुका है, हमारे ट्रांसमिशन के ऊपर हो गया। तो ये होती है हमारी गाइस टरबाइन, तो इसी के बोल्ट सिस्टम हमने आपको दिखाए थे खुलते हुए, ठीक है। तो हम गाड़ी ऊपर उठाते हैं, ये पूरा दिखाते हैं ट्रांसमिशन, गाड़ी उठाओ। बस ये पूरा उठा रहे हैं। तो ये होता है हमारा, बहुत भारी होता है गाइस, बहुत हल्का नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। फाइनली उतर गया उस्ताद जी। फाइनली गाइस हमारा ट्रांसमिशन उतर चुका है। तो ये रही बाकी ट्रांसमिशन का इंजन, तो यहाँ से कूलेंट लीक भी है, इसको भी हम रिपेयर करेंगे। इसका कूलेंट रिपेयर, अच्छे काम से पैसे आ जाते बैंक में, बताओ अगर तो कंप्लीट हो जाती तो। गाड़ी ले गया कस्टमर ने, ट्राई ले ली, तो गाइस हमने इसको फाइनली रिपेयर कर दिया। ये एक दो तीन चार पाँच, ये बोर्ड खोल के इसको बाहर निकाल लिया, फिर हमने ये चैम्बर का चैम्बर खोल लिया था। ये हमारे टरबाइन है, ये हमारे एक्सेल की रॉड है, चैम्बर के बोल्ट भी खोले थे हमने, ये पूरा चैम्बर बस का बाहर निकाल के फिर हमने इसको अंदर से रिपेयरिंग करी है। यहाँ लगता है इसका ये ट्रांसमिशन फिल्टर गाइस,
तो अब फाइनली इसकी रिपेयर हो गया है, अब इसको चढ़ाने जा रहे हैं हम गाइस। बस इसमें अब एक्सेल लगाना है मेरे को, एक्सेल की रॉड जो अंदर से लगती है गाइस, अब उस एक्सेल की रॉड लगा दूंगा, फिनिश पूरे फिट कर दूंगा, उसके बाद ऊपर चढ़ाऊंगा मैं इसका गेयरबॉक्स। तो चलिए लगाते हैं इसकी एक्सेल की रॉड। ठीक है, सारे बाल फ्री है, सब सही है। उठाए फिर बाल बॉडी, बाल बॉडी तो उठाना पड़ेगी, पर अंदर का दिखेगा कैसे? ठीक रहता है लंबे वहां। पापा की बातें अलग है ना, हम तो वीडियो नहीं बनाते हैं, हम तो ऐसे ही हड़चाल कर आए थे। वैसे बहुत है फाइव दो। इसमें डलता है गियर ऑयल, यहाँ से डलता है, यहाँ से निकलता है। और ठीक है, तो इसका तो हमारा डल गया, अब डालने रहेगा हमारा इसका ट्रांसमिशन ऑयल, जो कि हम डालेंगे यहाँ से। अब वो डल गया, उसका हो गया हमारा पूरा। Oh.